हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपने सपनों को साकार करने वाले हैं। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, जिसको हमने कई सारे पार्ट्स में कवर किया है। आज का वीडियो लेक्चर होगा हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल में नॉलेज लेना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रीकैप। स्लाइड में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स, जिसमें है चार कैटेगरीज। पहली तीन कैटेगरीज ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में। इंडिया की उन्नति के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस का गठन किया। हर एक सेक्टर के अपने इंस्टीट्यूशंस। तीन कैटेगरीज बनाई गई, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और हाउसिंग। पहली दो कैटेगरीज हम डिटेल में डिस्कस कर आए। आज हम ये जानेंगे कि हाउसिंग, जो कि सबका सपना होता है, इस सपने को अपना घर पाने का सपना, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रोल निभाया और किस प्रकार से बैंक को गठन किया। बात है यहाँ पर 7th 5 ईयर प्लान के टाइम की। समय था 1985 से 90 का। उस समय इस प्लान में से एक सब ग्रुप था जिसका काम था हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर स्टडी करना। स्टडी करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह बताया कि इंडिया में काफी कमी है, नॉन अवेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट या लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं मिलता हाउसिंग सेक्टर को। एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड जो अपना घर बनाना चाहता है, उसे समय पर पैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं देता। इसी वजह से हाउसिंग सेक्टर तरक्की नहीं कर पा रहा और उन्होंने रिकमेंडेशन दी एक नया इंस्टीट्यूशन बनाने की। उनकी रिकमेंडेशन यानी कि राय थी एक नया इंस्टीट्यूशन सेट किया जाए और वह इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल पर काम करे पूरे इंडिया के लिए। इस इंस्टीट्यूशन को बनाने का जिम्मा दिया गया एक कमेटी को। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने कंसीडर की सारी रिकमेंडेशंस। एक हाई लेवल ग्रुप बनाया गया जिसकी चेयरमैनशिप दी गई उस समय के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर को, और ये बोला गया कि आप सेट कीजिए नेशनल हाउसिंग बैंक को, जो कि एक सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन होगा, एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जो कि निर्णय लेगी कि इंडिया में हाउसिंग सेक्टर को कैसे बनाया जाए। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, उन्होंने पार्लियामेंट में ये घोषणा कर दी यूनियन बजट को प्रेजेंट करते समय कि इंडिया में आ रहा है एक नया इंस्टीट्यूशन जो कि हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करेगा और हाउसिंग का जो सपना है उसे साकार करवाएगा। नेशनल हाउसिंग बिल बनाया गया और उसके अंदर पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि किस तरीके से यह काम किया जाएगा। अब यहां पर गौर कीजिए, स्लाइड पर मैंने लिखा है ऑटोनोमस हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस का मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो खुद को अपने आप ही गवर्न करता है। अब ये भला कैसे होगा? ये होगा एक एक्ट की मदद से। नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट बनाया गया 1987 में, और अब जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वह सारे निर्णय इसी एक्ट को फॉलो करते हुए ही लेता है, इसीलिए इसे एक ऑटोनोमस बॉडी बोला जाता है। तो बैंक सेट हो गया और 9th जुलाई 1988 से उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब एक्ट में यह लिखा गया कि जो भी बैंक का कार्यकार होगा, जिस तरीके से काम को संभालना होगा, डायरेक्ट करना होगा और मैनेज करना होगा, वह सारे नियम एक्ट के ही फॉलो किए जाएंगे। अब जरूरत थी पैसे की, तो पैसे को कंट्रीब्यूट किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा।
अब ये बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ये भी उनके एक्ट में ही लिखा है। एक्ट में दिया गया है प्रीएम्बल, जिसमें लिखे गए हैं ये तीन फंक्शंस। सबसे पहले तो काम करना है एक प्रिंसिपल एजेंसी की तरह, सर्वोच्च लेवल पर काम होगा, और जिसमें सारा काम होगा प्रमोशन का, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना। और कहाँ तक प्रमोट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब इसका स्कोप है हर जगह तक अपनी सर्विसेज पहुंचाना, लोकल और रीजनल लेवल्स तक हाउसिंग सेक्टर को लेकर जाना। इसके अलावा और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट भी और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट भी। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो हाउसिंग सेक्टर से जुड़ा हो, उसकी हर प्रकार की मदद करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो यही इनका विजन है, प्रमोट करना, एक्सपैंड करना और स्टेबल तरीके से, निरंतर तरीके से हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को आगे लेकर चलना। इसी मिशन को फॉलो करते हुए जो भी हाउसिंग नीड्स हैं सारी इंडिया की पॉपुलेशन, चाहे वो पॉपुलेशन किसी भी सेगमेंट को बिलोंग करती हो, चाहे लो इनकम ग्रुप के लोग हो या मिडल इनकम ग्रुप के लोग हो, जिनका सपना है अपना घर बनाना, उस सपने को साकार करने में हर प्रकार की मदद करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो माय डियर लर्नर्स, अगर टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला तो आपको क्लियर है कि हाउसिंग के लिए पैसा प्रोवाइड करना लोन के तौर पर ये जो लोन्स हैं ये अफोर्डेबल हो, जिससे कि लो या मिडिल इनकम ग्रुप की फैमिलीज अफोर्ड कर पाए। रिसोर्सेज इकट्ठे करना, पैसे को चैनलाइज करना ताकि हाउसिंग सेक्टर तक वह पैसा पहुंचाया जा पाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है एक नेटवर्क तैयार करना ऐसे हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, जो इंडिया के अलग अलग रीजन्स और अलग अलग इनकम ग्रुप वाले लोगों तक पैसे को पहुंचा पाए। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम बनाना हर एक तरीके की इनकम ग्रुप की फैमिलीज के लिए। इसके अलावा सुपरवाइज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जितनी भी एक्टिविटीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कर रही हैं उनकी निगरानी करना। अब कैसे कर सकते हैं ये निगरानी, ये हक दिया है उनको उनके ही एक्ट में। तो एक्ट उन्हें ये हक देता है कि वह दूसरे इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर निगरानी कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स ऑब्जेक्टिव है इनकरेज करना पब्लिक एजेंसीज को। घर बनाने के लिए और भी बहुत चीजों की जरूरत है, उन सारी चीजों को अवेलेबल करवाना। एग्जाम्पल के तौर पर सप्लाई अवेलेबल हो बिल्डेबल लैंड की, जहां पर घर बनाया जा सके, बिल्डिंग मटेरियल की जिसकी जरूरत है। इसके अलावा और भी किसी प्रकार की जरूरत जो देश में है उस सारे मटेरियल को अवेलेबल करवाना। नेशनल हाउसिंग बैंक कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में लार्ज अमाउंट दी जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है रीफाइनेंस के द्वारा भी। तो जब रीफाइनेंस की बात आती है तो वहां पर प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वह अच्छे तरीके से हाउसिंग सेक्टर को आगे बढ़ा पाए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की मदद की जाती है, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटीज की, अपेक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटीज की और एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स की मदद भी की जाती है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। प्रोजेक्ट फाइनेंस दिया जाते हैं स्टेट लेवल हाउसिंग बोर्ड्स को और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज को, और ये काम काफी लार्ज स्केल पर किया जाता है और स्लम्स को रीडेवलप करने के प्रोजेक्ट्स भी चलाए जाते हैं। प्रमोशन फंक्शन के अंदर
नेशनल हाउसिंग बैंक हेल्प करता है ऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत, और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की भी मदद करता है, उन्हें रीफाइनेंस करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पर अगर वह सारी लिखित कंडीशंस को पूरा करें तभी। ये बैंक सुपरविजन का भी काम करता है, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस के रिलेटेड कंपनीज हैं उन सब के ऊपर ऑन साइट इंस्पेक्शंस की जाती हैं, ऑफ साइट सर्विलियंस भी रखी जाती है ताकि किसी भी नियम की नजरअंदाजी ना की जाए। अगर कोई भी फाइनेंस कंपनी जो हाउसिंग के साथ जुड़ी है कोई गलत काम करती है तो उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाई जा सकती हैं। यहाँ तक कि एक कंप्लेंट सेल भी बनाया गया है, और अगर किसी को भी कोई ग्रेवियंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर एक कंप्लेंट दायर की जा सकती है जिसके ऊपर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्शन लेता है। तो इस प्रकार प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की मदद करते हुए और हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटीज की मदद करते हुए नेशनल हाउसिंग बैंक अपना काम करता है, लोगों के घर के सपने को साकार करता है। तो इस तरीके से आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने सीखा कि डेवलपमेंट बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हमने सारे टाइप्स ऑफ बैंक को कवर कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि इतनी सीरीज के साथ डिटेल में आपको बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक आप जुड़े रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द।